से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा भारत से फारती तनाज़ा, कैनेडियन वजीर दिफा का मुजरिमाना तहकीकात पर जोर। बिल ब्लेयर का कहना है कि सिफारती तनाज़े के असरात हिंदुस्तानी कैनेडियनों पर पड़ रहे हैं, अमेरिका की जानिब से कनाडा की मदद करने का इंकशाफ। सिख ग्रुपों का कनाडा की सियासी जमातों से भारत के खिलाफ मुतहदा महाज का मुतालबा। सिख ग्रुपों का कहना है कि कैनेडियन जमातों को वासे होना चाहिए। जगमीत सिंह का गैर मुल्की मदाखलत की इंक्वायरी में हिंदुस्तान को शामिल करने का मुतालबा। स्कारब्रो में ग्रीन बेल्ट की तब्दीली का जश्न। जीटीए में वीकेंड रैलियों में उठाए गए दीगर मसाइल। मुजाहरीन का कहना था कि फोर्ड से अहम मसाइल पर पेशरफ चाहते हैं। इसराइल का अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुहादा नाकाम हो जाएगा। ईरानी सदर का कहना था कि हमने ये नहीं कहा कि अक्वामे मुतहदा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स की ईरान में तैनाती नहीं चाहते। पाकिस्तानी निगरान वजीर खारजा का कहना है कि मुल्की और फलस्तीनी आवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। चीन में कोयले की कान में आग भड़क उठी, 16 कानकुन हलाक। ज्यादातर की अमवात दम घुटने की वजह से हुई, आग लगने की वजह का तायुन नहीं किया जा सका। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वज़ीरे दिफा ने हिंदुस्तान के इल्ज़ामात से हफ्ते भर के सिफारती नतायज के बाद मुजरिमाना तहकीकात पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीरे दिफा ने हिंदुस्तान के इल्ज़ामात से हफ्ता भर के सिफारती नतायज के बाद मुजरिमाना तहकीकात पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीरे आज़म के इस इल्ज़ाम के एक हफ्ते के बाद के हिंदुस्तान एक मुमताज खालिस्तान के हामी कारकुन के कत्ल में मुलविस था, वज़ीरे दिफा बिल ब्लेयर ने इंटेलिजेंस के सवालात से तवज्जो हटाने और इस मामले की जारी मुजरिमाना तहकीकात की तरफ तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की। बिल ब्लेयर ने कहा वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सिफारती तनाज़े के असरात हिंदुस्तानी कैनेडियंस पर पड़ रहे हैं। ये एक और वजह है कि जो तहकीकात हो रही हैं उस पर इतना जोर देता हूँ कि हम काबिल भरोसा इंटेलिजेंस से आगे बढ़कर शवाहिद तक जा सकेंगे, जो कुछ हुआ उसके मजबूत शवाहिद, ताकि हम और हिंदुस्तानी हुकूमत हकीकत को जान सकें और फिर उसे मुनासिब तरीके से हल करने के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जानिब कैनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजात के कत्ल की तहकीकात में अमेरिका की जानिब से कनाडा की मदद करने का इंकशाफ हुआ है, जबकि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद अमेरिकी तहकीकाती एजेंसी ने मुल्क में सिख रहनुमाओं को कत्ल के खतरात के बायस उन्हें मोहतात रहने की हिदायत कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुलविस रही। अमरीकी मालूमात की बुनियाद पर कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने को साबित किया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने दोस्त ममालिक को खुफिया मालूमात फराहम करती है। माजी में भी अमरीका कनाडा को चीन के खिलाफ खुफिया मालूमात फराहम करता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने इंटेलिजेंस स्ट्रीम्स के पैकेज के हिस्से के तौर पर कनाडा के साथ मालूमात शेयर की हैं। याद रहे कि अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारत से हरदीप सिंह निजार के कत्ल पर एहतसाब का मुतालबा कर रखा है। सिख ग्रुपों ने कनाडा की सियासी जमातों से कहा कि वो भारत के खिलाफ मुतहदा महाज पेश करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिख ग्रुपों ने कनाडा की सियासी जमातों से कहा कि वो भारत के खिलाफ मुतहदा महाज पेश करें। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से एक मकामी रहनुमा की फायरिंग से हलाकत और हिंदुस्तानी हुकूमत के दरमियान
मुमकिना रब का ऐलान करने के बाद कनाडा के सिख डायस्पोरा के दो ग्रुप कनाडा की सियासी जमातों से हिंदुस्तान पर मुतहदा महाज पेश करने का मुतालबा कर रहे हैं। एक मुश्तरका बयान में ऑन्टेरियो गुरुद्वारा कमेटी और ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल का कहना है कि जून में हरदीप सिंह निजर की मौत से मुतालिक मुमकिना गैर मुल्की मदाखलत के खिलाफ अपनी मुखालफत के बारे में तमाम पट्टियों की कैनेडियन जमातों को वाज़ेह तौर पर वाज़ेह होना चाहिए। NDP लीडर जगमीत सिंह, जो खुद एक सिख है, ने कहा कि उन्होंने बराह रास्त क्यूबैक कोर्ट ऑफ अपील जस्टिस मेरी जूसी हॉक को खत लिखा है कि वो कनाडा के गैर मुल्की मदाखलत की इंक्वायरी में हिंदुस्तान को शामिल करने का मुतालबा करे। हॉग इस 6 माह की इंक्वायरी की कयादत कर रहे हैं, जिससे तवक्को है कि चीन और रूस जैसे मुमालिक की तरफ से कनाडा के मामलात में मुबैना मदाखलत का पता चल जाएगा। इस कार्बरो में एक इज्तिमा जिसमें प्रीमियर डकफोर्ड के ग्रीन बेल्ट पर तरक्की के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का मनसूबा बनाया गया था, जो जश्न की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस कार्बरो में एक इज्तिमा जिसमें प्रीमियर डकफोर्ड के ग्रीन बेल्ट पर तरक्की के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का मनसूबा बनाया गया था, हफ्ते के रोज जश्न की शक्ल इख्तियार कर गया। जब फोर्ड ने ऑन्टेरियो से माफी मांगी और हफ्ते के शुरू में अपना फैसला वापस लेने के अजम का इजहार किया, जबकि रिचमंड हिल में एक और रैली जिसका मनसूबा भी जमीन के तबादले के खिलाफ एहतजाज करने के लिए था, फिर भी एहतजाज की फिजा बरकरार है। जैसा कि शुरका ने फोर्ड को बताया कि अभी भी दीगर मसाइल हैं जिन पर वो पेशरफ्त चाहते हैं, जैसे कि मुजवजा हाईवे 413। हफ्तों के अवामी दबाव और दो वज़रा के इस्तीफे के बाद डग फोर्ड ने जुमेरात को महफूज ग्रीन बेल्ट से जमीन के बड़े हिस्से को हटाने के अपने मंसूबे को वापस ले लिया। शहर भर में ऑन्टेरियो प्लेस में इस मसले पर एक अलग रैली निकाली जा रही थी। वहाँ मुजाहरीन सैकड़ों दरख्तों की मुमकिना हटाने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए, जो खला की दोबारा तरक्की के हिस्से के तौर पर हो सकते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि इसराइल का अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुहायदा नाकाम हो जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि इसराइल का अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुहायदा नाकाम हो जाएगा। इसराइल की नज़रें मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाली पर मरकूज हैं, और सहयूनी वजीर खारजा एल कोहन ने कहा था कि 6 से 7 मुस्लिम ममालिक से जल्द ताल्लुकात बहाल होने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमरीकी सरपरस्ती में खलीजी रियासतों बशमूल सऊदी अरब से इसराइल के ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें नाकाम होंगी। उनका मजीद कहना था कि हमने ये नहीं कहा कि अक्वामे मुतहदा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स की ईरान में तैनाती नहीं चाहते। वाजे रहे कि अमरीका की जानिब से सिफारती इकदाम के जरिए 2020 में मुतहदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों इसराइली वजीर खारजा एल कोहन ने अपने खिताब में 6 से 7 मुस्लिम ममालिक से जल्द सिफारती ताल्लुकात बहाली का दावा किया था। उनके इस बयान के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि मुतहदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन के बाद अब कौन सा इस्लामी मुल्क इसराइल से ताल्लुकात बहाल करेगा। अली कोहन के इस बयान के बाद पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आया है, जिसमें निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जेलानी ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान अपना फैसला मुल्की और फलस्तीनी आवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए करेगा। चीन में एक सरकारी कान में खौफनाक आतिशजदगी की वजह से 16 कान कौन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन में एक सरकारी कान में खौफनाक आतिशजदगी की वजह से 16 कानकुन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक चीन के सूबे गोइजो में कोयले की कान में लगने वाली आग को फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटों में काबू पा लिया था, ताहम इस दौरान धुएं के बादलों ने सांस लेना मुहाल कर दिया था। हादसे में 16 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ज़्यादातर की अमवात दम घुटने की वजह से हुई। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि आग कन्वीनियर बेल्ट में लगी थी, ताहम आग लगने की वजह का तायुन नहीं किया जा सका। सूबाई हुकूमत की जानिब से वाकये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। हादसे के बाद 500 शहर में कोयले की तमाम कानों ने पैदावारी सरगर्मियां 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। याद रहे कि इस इलाके में कोयले की तकरीबन 52.5 मिलियन मेट्रिक टन सालाना पैदावारी सलाहियत है, जो चीन की कोयले की मजमूई पैदावारी सलाहियत का तकरीबन 5% है। आतिशजदगी का शिकार होने वाली कोयले की कान की सालाना पैदावारी गुंजाइश 3.1 मिलियन टन है, जबकि ये जिस सरकारी कंपनी की मिल्कियत है जिसकी 7 कोयले की कानों की पैदावारी सलाहियत तकरीबन 17.3 मिलियन टन है। वाजे रहे कि चीन में कानों के हादसात आम हैं। रवां बरस फरवरी में मंगोलिया के इलाके में कान के दब जाने से 53 अफराद हलाक हो गए थे।
टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।